नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई के द्वारा, यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म आया है। आप उसे फिलअप करके 5,000 रुपये तक राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह स्कॉलरशिप के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कब से आवेदन शुरू है, किस पोर्टल से आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सबके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिस है, जिसमें बताया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई के द्वारा यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक राशि दिया जाएगा। आप यहां पर देख पाएंगे, यहां पर आपको पूरा नोटिस देखने को मिल जाएगा, आप यहां पर भी देख सकते हैं। आप बता दें कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका एडमिशन 2023 में आईटीआई में हुआ है, 1 साल के ट्रेड में हुआ हो या 2 साल के ट्रेड में हुआ हो, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, यदि जिनका 2 साल के ट्रेड में हुआ हो उनको फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना होगा, और जिनका 1 साल का ही ट्रेड है जैसे डीजल मैकेनिक हुआ या वेल्डर हुआ, तो उन लोग के लिए एक बार ही अप्लाई करना है। आप लोग सेशन में 2023 से 2024 डालिएगा। और बता दें कि यह स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ एसी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी मेल और फीमेल कैंडिडेट को ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, ठीक है, और लास्ट पासिंग मार्कशीट यानी कि 10th ही दीजिएगा लास्ट पासिंग मार्कशीट में, बैंक पासबुक जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रमाण पत्र आपको नया देना होगा। 2023 का है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो 2022 तक लास्ट चलेगा, लेकिन उसे पुराना आपका नहीं होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसा होता है, उसको आपको दिखाते हैं और बताते हैं। फी रिसिप्ट, फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से दीजिएगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा। कुछ समय बाद आप इसी यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रसीद कहाँ मिलेगा। तो आपको फी रसीद जो है आपका एडमिशन के वक्त मिला होगा, ठीक है। आपको कौन सा फी रसीद है दिखा देते हैं, देखिए ये आपका फी रसीद होने वाला है। ऐसा आप एडमिशन कराए होंगे तो आपको मिला होगा। आप ऐसे रसीद लेकर अपने आईटीएम जाइएगा, वहां से आप बोनाफाइड बनवा सकते हैं। सबसे पहले दिखा देते हैं कि यह बोनाफाइड जो है आईटीआई का ही बोनाफाइड है। आप यहां पर देख पाइएगा, आपको यहां पर देखने को मिलेगा प्रिंसिपल आईटीआई डुमराव डिस्ट्रिक्ट बक्सर के नाम से, आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यह आईटीआई का ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। यह आपको आईटीआई में फॉर्मेट देखने को मिलेगा, आप वहां से लेकर बनवा सकते हैं या इसको आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसे फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होगा, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर, ईयर है तो ईयर, और यहां फिलअप करके जो ट्रेड रहेगा यहां पर, और आपका एकेडमिक ईयर जैसे इनका था 2020 से 2022, आपका होगा 2023 से 2025, तो आप यहां पर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। 2 साल का होगा तो 2 साल का, 1 साल का होगा तो 1 साल का फिलअप कर देना है। उसके नीचे आइएगा, नीचे आने में आपको देखिएगा डेट ऑफ बर्थ अपना फिलअप करना है, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद कब आपका एडमिशन हुआ है, जिस डेट को 17/2/2021 आप यहां पर देख पाएंगे, और ये एडमिशन रसीद पे आपको मिलेगा। यहां पर देखिए आपको मिल रहा है 17/2/2021, आप इसी रसीद को यहां पर जो डेट लिखा गया रसीद पर, आप इसी डेट को यहां पर फिलअप कर देंगे, और करने बाद यहां से आपका साइन मोहर हो जाएगा सब, उसके बाद आपका ये बोनाफाइड तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फी रसीद, आप चाहें तो फी रसीद बनवा सकते हैं अपने आईटीआई के कॉलेज के द्वारा, बन जाएगा आपका फी रसीद। ऐसा देखने को मिलेगा जो आपका एडमिशन फीस, एडमिशन नंबर आपको देखने को मिलेगा 797 और डेट देखने को मिलेगा 17/2/2021, आप यहां पर देख पाइएगा गवर्नमेंट आईटीआई डुमराव बक्सर के नाम से, आपका नाम, फादर नेम और आपका कोर्स और आपका सेशन कौन सा था यहां पर, और जो आपका यहां पर देखिएगा 797 है, ये आपका फी रसीद पे आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए आपको यहां मिल रहा है ना 797 और आपका एडमिशन डेट, ठीक है, और अगर कितना पैसा लगा था आप यहां पर देख पाइएगा। कॉशन मनी छोड़कर आपका ये दोनों मनी और जो एक्स्ट्रा मनी आपका ऐड होके यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आप यहां पर देखिए, देखिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपका ट्यूशन फीस 240 से 50 रुपये और टोटल फीस इतना, और इसी का 200 रुपये आपका लग गया है, टोटल 490 रुपये हुआ, तो आपको बनाकर आपके आईटीआई वाले ही दे देंगे। आप इसको देख पाइएगा और इसी को लेकर आप अपने
पोर्टल में इसको अपलोड करके, अपलोड करने के बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कहाँ से आवेदन करना है चलिए उस पोर्टल पर आपको ले चलते हैं। पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के पोर्टल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप इस लिंक के माध्यम से आ सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और ग्रुप के माध्यम से भी आपको इसका डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा। आप इस पेज पर आने के बाद यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको SC ST ओनली 23-24 आप यहां पर देख पाएंगे सेशन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि SC ST कैंडिडेट हो, मेल हो फीमेल हो, आप इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का लिंक आप यहां पर देख पाइएगा, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर SC ST 2023 और 2024 का यहां पर लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको वहां पर बताया जाएगा कौन कौन सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा। जैसा कि आप यहां पर देख पाइएगा तो आपको यहां पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया कि आपका आधार संख्या हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक का संख्या आप यहां पर देख पाइएगा। आपको इसको क्लिक करके यहां से चेकबॉक्स को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहां से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहां से आपका अपना डिटेल जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और आधार को वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को देना होगा। आप यहां पर जो भी डिटेल सही से फिलअप कीजिएगा तो आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे कि आप यहां पर देख पाइएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी होंगे आप यहां से अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पर रीजनल जो भी हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख, जैन जो भी होंगे आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर कैटेगरी, कैटेगरी में SC ST जो होंगे ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा SC ST का फिलअप हो रहा है। इसके बाद आपको OBC और ABC के बताएंगे ठीक है इसी वीडियो में। और उसके बाद देखिए होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से दिया गया है ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ से क्लिक करके उसे फिलअप कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद आप आपका यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, जैसे इंस्टीट्यूट यहाँ पर शो करके दिखा देते हैं। जैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं बक्सर, बक्सर डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, तो इसमें जो इंस्टीट्यूट होगा आपको यहां से चूज कर लेते हैं ठीक है। दिखाते हैं आपको, फिलअप करने के बाद आपको यहां पर इंस्टीट्यूट नेम पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जितना भी इंस्टीट्यूट है आपको यहां पर खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको अपने ITI को खोज लेना है कि आपका ITI का, जैसे यहां पर देखिएगा गौरशंकर प्राइवेट ITI है ठीक है, तो आप यहां पर प्राइवेट ITI हो या सरकारी ITI हो जो भी होगा आप यहां पर भर सकते हैं। देखिए यहां पर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो है बक्सर का ITI है, गवर्नमेंट ITI है, तो ठीक है आप ITI के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। इसी प्रकार आपको अपना गवर्नमेंट ITI डुमराव भी देखने को मिलेगा, उसको भी आपको दिखा देते हैं कि आपका गवर्नमेंट ITI डुमराव, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डुमराव बक्सर आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आपको सभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को में जितने भी ITI हैं सब यहाँ पर शो होंगे, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यदि आप OBC और ABC कैंडिडेट हैं तो आपको इस पोर्टल पर जो दिया गया है लिंक, आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। BC EBC देख पाइएगा 23-24 के लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहां से लिंक खुलेगा और आप इस लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC EBC प्रवेशकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करना है ठीक है। इसके बाद आपका पेज खुलेगा और वहाँ से आप चूज करके जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अपना डिटेल फिलअप करके पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके कुछ समय बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा। यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BC EBC 2023 और 2024 का यहाँ पर लिंक दे दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से। और इसके बाद आपको अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद जितना भी आपका फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा उसे ले जाकर अपने कॉलेज में यानी कि ITI में जमा करना होगा ठीक है। उसके बाद आपका ITI वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, उसके बाद सब वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे केवल बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में प्रवेशकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनतर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC और EBC छात्र के लिए, छात्राओं के लिए आवेदन यहां से करेंगे। तो आप देखिए कैटेगरी में यहां चूज कर लेंगे BC है कि EBC है, जैसे SC ST था वैसे ही BC और EBC आप यहां से चूज करके अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा।